सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। चौथा अध्याय एक साथ चैंट करेंगे। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमवव्ययं विवस्वान् वन विप्राः मनुरिक्ष्वाकविब्रवी एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालीनेह महता योगो नष्टा परन्तप सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येद उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम्। एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागताः। तो हम लोगों का जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण को नाम लिया गया अवतार। ये वैदिक धर्म का हम लोगों का एक बहुत बड़ा विषय है। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि हिंदू धर्म के अतिरिक्त कहीं भी किसी के अवतार लेने की बात नहीं मिलती। हो सकता है अन्य धर्मों में मैसेंजर पैगंबर शब्द प्रयोग किया गया, लेकिन आपके वैदिक हिंदू धर्म में वह जो साक्षात ईश्वर है वही इस सृष्टि पर कुछ प्रयोजन से जन्म लेता है और उसको क्या कहा गया अवतार। अवतार क्यों लेता है, अवतार कब लेता है, अवतार कहाँ लेता है,
अवतार कैसे लेता है, ये पूरी बात की जानकारी श्रीमद् भगवत गीता आपको देती है। कल मैंने आपको एक सबसे पहली वेदांत की पंक्ति याद रखिएगा, मुझे क्या उपलब्ध होगा, मतलब मुझे क्या चीज दिखाई देगी, मेरा ज्ञान कैसा होगा, हम परसीव इस बात पर कर सकते हैं कि हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है। उसको अच्छी भाषा में कहा जाए, जिस उपाधि में रहकर हम देखेंगे हमको वह चीज वैसी ही दिखाई देगी, संभवतः वह चीज वैसी नहीं भी हो सकती। अगर मैं काला चश्मा लगाऊंगा तो मुझे जो दृश्य दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा, मैं पीला चश्मा लगाऊंगा तो मुझे पीली चीज दिखाई देगी, मैं पृथ्वी पर रहकर बात करूंगा तो सूर्य का उदय भी है और सूर्य का अस्त भी है। इसी तरह से यदि मैं जीव हूं, यदि मैं जीव हूं का मतलब क्या हुआ, जिस भी साधक को अपना अंतःकरण सच लगता है, ठीक है ना, जीव मतलब क्या, जिस साधक को अपना अंतःकरण सच लगता है, बोले सच लगता है मतलब क्या, जिस साधक को जीवन के जो सुख हैं, जो दुख हैं, जो जन्म है, जो मृत्यु है, उसको सच दिखती है, अब वो क्या करे, हम साधक को कह यही हाल है, सुनने के बावजूद भी जीवन में जो घटनाएं और जो परिस्थितियां आ रही हैं वो यदि सच लगती हैं तो कोई दो राय नहीं है, हमारा जो स्टैंड पॉइंट है वो कौन सा है, वो जीव है। अब जीव ऐसे समय में क्या करेगा, जब वो अपने आप को असहाय पाता है, ध्यान रखिए असहाय पाना कोई गलत बात नहीं है, कई बार ज्ञान पढ़ने के बाद व्यक्ति कुछ फॉल्स फिलॉसफी में जीना स्टार्ट कर देता है। आपके ही भगवान ने गीता में यह बात कही, आर्त जिज्ञासु हो अर्थार्थी, ये मेरे ही शिष्य मेरे ही भक्त हैं। कभी जीवन में दुख आता है, कभी जीवन में कोई चाहत होती है, कभी जीवन में जिज्ञासा होती है, लेकिन और कभी जीवन में कुछ भी चाहत नहीं है। ये चारों ही जो पुत्र हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों मेरे ही भक्त हैं, क्योंकि माम उपासिता, कम से कम ये जो उपासना करते हैं मेरी ही तो करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता था, यदि प्रार्थना की उपाधि के संदर्भ में, सावधानी से, प्रार्थना की उपाधि से वही जो कॉन्शियसनेस है, जिसको कि आप शुद्ध आत्मा सच्चिदानंद चिन्ह मात्र सन मात्र बहुत सारे नाम दिए, वही जो आत्मा है, यदि मैं उपाधि की दृष्टि में देखता हूं तो वह प्रार्थना की उपाधि से अनुग्रह और विग्रह का रूप धारण करके यहां पर प्रकट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी पुकार से, हमारी प्रार्थना से वह जो निराकार निर्गुण तत्व है, वही परमात्मा अनुग्रह और निग्रह, दो शब्द बोल रहा हूं,
कुछ चीजों को रोकने के लिए भी वही जो तत्व है वह यहाँ पर प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है, किस फॉर्म में प्रकट होता है, इसको बोलते हैं अवतार के कई भेद हैं। कल मैंने आपसे कहा पूर्णावतार, नित्यावतार, अर्च्यावतार, आवेशावतार, कलावतार, कितने भेद हो गए, पांच तो आपके सामने रखे हैं। नित्यावतार, पूर्णावतार, अर्च्यावतार, कलावतार, बहुत भेद हो सकते हैं और ये आपके धर्म ग्रंथों में ही बताए गए हैं। अब देखो एक सच्चाई ये है, पूरी सृष्टि में वही ही है और हमको वही तत्व जानना है। दृष्टांत देखिए कहूं, पूरा जो समुद्र है वह जल ही है, ये एक सच्चाई है। अच्छा रहा, समुद्र जल है ये श्रद्धा है कि यह ज्ञान है? प्रश्न समझ में आता है, पूरा समुद्र जल में है, समुद्र जल ही है, यह ज्ञान है कि यह हमारी श्रद्धा है? ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान, ज्ञान मतलब ये विचार है। क्या विचार है कि पूरा जो समुद्र है वह क्या है, जल ही। इसी तरह से पूरा जो जगत है वह भगवान ही सर्वरूप में स्फुरित हो रहे हैं, सर्वरूप में वही स्फुरित हो रहे हैं। लेकिन अब हमको ये बात समझ में नहीं आती, मैं एकदम जो हमारा इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मतलब सामान्य व्यक्ति का तो मैं नहीं कह सकता, जो साधना में रत साधक हैं, और मैं भी कई संतों के चरणों में ये निवेदन करता रहता हूं कि सिया राम में सब जग जानी, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। वेद भी ये कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, ये पंचमाभूत नहीं है, ये वही है, सनमात्र है, चिन्मात्र है। अब ये सच्चाई है और ये हमारे संतों ने, ऋषियों ने अनुभूत की है। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट ही आपसे कहा सिया राम में पंच महाभूत मैं सब जग जानी, ऐसा नहीं कहा। पुरुष प्रकृति मैं जानी, ऐसा नहीं कहा। वो तो ये बोलते हैं स्पष्ट सिया राम मैं, लेकिन हमारी हमारी सच्चाई क्या है? स्पष्ट कहूं हमारी सच्चाई यह नहीं है सिया राम में सब जग जानी, ये शास्त्र की सच्चाई हो सकती है बट मेरी व्यक्तिगत जीवन का अनुभव ऐसा नहीं है और ये हमको दिखता भी नहीं कि वही चारों ओर स्फूर्त है, ये हमारा अनुभव नहीं है। तुलसीदास जी ने यहां तक कि रामचरितमानस में क्या कहा गया, निज प्रभु में देखूं जगत। सावधानी से सुनिएगा, जगत में प्रभु नहीं कह रहे, जगत है उसमें प्रभु है, ऐसा नहीं कहा। काकुशुंडी संवाद में मिलता है, निज प्रभु में देखूं जगत, मेरे ईश्वर में ही पूर्ण जगत रहता है, जगत में ईश्वर नहीं, वो
उस ईश्वर में जगत रहता है, यह सच्चाई है शास्त्र की। वैदिक ले लें, पुरुष एवेदलम सर्वम, ये जो इदम इदम करके भाषित हो रहा है यह इदम नहीं है। है क्या बात कह रहे हैं, ये इदम नहीं है, वह पुरुष ही है सब कुछ। मुझे तो इदम ही दिखाई दे रहा है। ऐसे देखो, स्वप्न में देखने पर रथ, वस्त्र, स्त्री, पुरुष सब भासित हो रहा था, इदम ही तो दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटा तो आपको क्या दिखा, न तत्र रथाः, न तत्र पथाः, न वहां रथ है, न वहां पथ है, न स्त्री है, न पुरुष है, दिखाई दे रहा था स्वप्न में। उठने के बाद ये नहीं दिखाई देता, बशर्त है उठने के बाद। ऐसे ही अभी हमको ये दिखाई दे रहा है इदम 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 करके, लेकिन जिस दिन उठ गए, बोले डेली तो उठते हैं, बोले ये उठना नहीं, ज्ञान की निद्रा में, अज्ञान की निद्रा से जाकर ज्ञान में उठना, हे अनिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जिस दिन ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो जाए, एक ज्ञान में उठ जाए, उस दिन ये समझ में आता है, न तत्र रथाः, न तत्र पथाः सन्ति, न तत्र रथ है, न पथ है, बशर्त एक हो कि जाग जाए। ये जागना ही ज्ञान है। कोई जगा दे, जो जगा दे उसी का नाम गुरु है। जागना तो स्वयं को ही है, लेकिन जो जगाते वो गुरु है। जिस दिन जाग गए उस दिन यह पता लगता है कि यह इदम, ये इदम सत्य नहीं है। तो जो तत्व पर तत्वदर्शी महापुरुष हैं, उनको तो ये दिखता है, तो हमको तो ये नहीं दिखता। अब हमारी स्थिति तो ये नहीं है, ये मैंने आपके सामने सच्चाई रखी। क्या करें, तो एक हम संतों का कहना है, ग्रंथ का भी ये कहना है कि श्रद्धा महारानी की शरण में जाएं। देखो जी, कम से कम सत्य का अनुभव तो नहीं है, लेकिन सत्य को जान तो लें। लो जी कह रहा हूं, सत्य का अनुभव नहीं है, ठीक है, लेकिन सत्य जान तो लें, और जब जान लें तो कभी न कभी हमारा यह अनुभव पूरा होगा। हमारे गुरु जी इस बप्पा को, हमारे स्वामी जी बहुत अच्छा इस बार दृष्टांत देते रहे, हर बार साधकों को दृष्टांत देते रहे कि कम से कम बीज जमीन में पृथ्वी पर बो दिए जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों तो निकलेगा। जब बोया ही नहीं तो निकलेगा कैसे। हम ये चाहें कि जो मैं बोलूं वही मुझे अनुभव में आ जाए। सब बातचीत में बहुत सारे लोगों को कि जो बोलूं वही अनुभव, अरे जो बोले वो अनुभव में आ गया तुम्हारा, आप जीवन मुक्त संत हो। तो साधक किसका नाम है, साधक तो वही है जिसकी समझ कुछ और है और दृष्टि कुछ और उसका अनुभव कुछ और हो रहा है। मैं पूज्य संत चरणों में कई बार ये निवेदन करता हूं, यही साधक की व्यथा है। साधक में और जीवन मुक्त पुरुष में यही थोड़ा अंतर दिखता है। साधक को ज्ञान तो है,
लेकिन वह उसका अनुभव नहीं है। जीवन मुक्त पुरुष जो ज्ञान है वही उसका अनुभव है। क्या करें, कम से कम साधक को श्रद्धा धारण करके जो हमारा अनुभव नहीं है कम से कम उसको जान तो लेना चाहिए। स्पष्ट है ना, ये साधक का दायित्व है। संत बोलते हैं वो जो सत्य है, श्रद्धा की महिमा तो तब है ना जब हमको वैसा अनुभव ना होए, वैसा ज्ञान ना होए, लेकिन तब भी वह हमको स्वीकार तो हो जावे, ये श्रद्धा का कार्य है। स्पष्ट, ध्यान रखना श्रद्धा का दायरा कितना है। जो हमारा अनुभव नहीं है, जो हमारा अनुभव नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसको श्रद्धा के बल पर क्या कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, ये कार्य है श्रद्धा का। देखो एक दृष्टांत देता हूं। अग्नि उष्ण है, यह हमारी श्रद्धा है कि यह हमारा ज्ञान है? क्या कहेंगे, अग्नि उष्ण है यह हमारा श्रद्धा है कि यह हमारा ज्ञान है? अग्नि उष्ण है यह हमारा ज्ञान है, लेकिन अग्नि देवता है, अग्नि देवता है यह हमारी श्रद्धा है? जो देवता नहीं मानता उसको भी यह है कि अग्नि उष्ण है, लेकिन अग्नि एक देवता है यह हमारी श्रद्धा है? श्रद्धा की कृपा से हम एक ना एक दिन उस प्रभु को जान जाते हैं। किस प्रभु को? जो हमारा अनुभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी तो स्पष्ट कहते हैं श्रद्धा एक संबल है, उस श्रद्धा की ठोर पर ही साधक चलता है और उसको क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ज्ञान भी नहीं है, सुंदर है, और श्रद्धा भी नहीं है, ले अभी तो मैंने क्या कहा, ज्ञान नहीं है श्रद्धा है, एक समीकरण तो ये बन गया। कुछ महापुरुष लोग ऐसे हैं, ज्ञान तो नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, क्या होगा? भगवत गीता, हां भगवत गीता ऐसे लोगों का एक नाम दे देती है। कैसे लोगों का? जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास श्रद्धा नहीं है, उनका नाम है संशयात्मा। श्लोक बोलता हूं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, क्या बना वाक्य, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जो अज्ञानी भी हैं, ज्ञान तो नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता कहती संशय आत्मा। उनको भगवत गीता कहती इनका संशय आत्मा विनश्यति, वो तो नाश कर लेंगे आत्मा। इसलिए मैं कह रहा हूं भले हमको वह जो अवतार हुआ है सर्वम खलविदम वह नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन श्रद्धा करने की आवश्यकता है कि वही तत्व ही चारों ओर है। अच्छा, कबीर
तुलसी नानक सभी, मैं सभी संतों को कह रहा हूं जितने अनुभूत संत हुए, वेद, इस सबका सभी एक बात बोलते हैं। देखो तो आप नानक ने क्या बोला, सब मही रम रहिया प्रभु एक ही, पेख पेख नानक बिगसाई, सब में वही रम रमिया, सब में वही है। नानक क्या कहते हैं, सब में वही है एक ही एक। तो देखो नानक जी भी यही कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हमको यह समझ में ना आए जब वह प्रभु का, जब वह प्रभु शब्दू रहे या समझ में ना आवे, मुझे पंचमा भूत की ही स्फूर्णा लगती है, सब पंचमा भूत लगता है तो क्या करें। तो भैया श्रद्धा करो और अवतार को जानो। इसके लिए साधना क्या करनी, जो भगवान ने अवतार लिया है, जब हम उस अवतार को ठीक से जानेंगे तो फिर हमारा यह ज्ञान और अच्छे से स्पष्ट होने लगेगा कि वही प्रभु चारों ओर है, पंचमाभूत नहीं है। ये उसी के लिए है जिसको ये पंचमाभूत दिखाई देता है, पुरुष प्रकृति दिखाई देती है, जगत दिखाई देता है, ये उसी के लिए। क्या करें, भगवान ने जो अवतार की बात कही है उसको समझें। अच्छा तो फिर से देखो आप अवतार की बात, तो सभी पूर्णावतार, कला अवतार, नित्यावतार, अर्चावतार सब वही है। अब किसी न किसी विशेष प्रसंग में प्रभु अपना एक विशेष, जैसे आवेश अवतार प्रकट हो जाते हैं, तो कभी कभी वो आवेश में प्रकट होते हैं। कल मैंने आपको क्या कहा, जैसे कि नरसिंह भगवान, नरसिंह अवतार कैसा हुआ, आवेश अवतार हुआ। एक और देखो कैसे भगवान प्रविष्ट हो गए आवेश में, भगवान ने वृंदावन में एक क्या लीला देखी कि पूरा का पूरा वृंदावन इंद्र भगवान की पूजा कर रहा है। भगवान ने पूछा भाई कि इंद्र की ये पूजा क्यों कर रहे हो बाबा, तो बोलते यही सब कुछ देता है, बारिश भी यही देता है, अन्न भी यही देता है, हमारा भरण पोषण भी यही करता है। तो भगवान कृष्ण ने कुछ शिफ्ट किया, बोले बाबा असली जो भगवान है या तो गोवर्धन है, यानी को गोवर्धन जड़ है, पत्थर है, लेकिन भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा करने के बजाय किसकी पूजा करो, गोवर्धन की करो, ये है प्रकृति प्रेम। और आपको पता है भगवान इतनी छोटी उम्र में थे और उनकी सब बात लोगों ने मान ली, और सब लोग किसकी पूजा करने लगे, वो गोवर्धन की पूजा करने लगे। अब आखिर उस गोवर्धन, गोवर्धन है क्या भाई, पत्थरी तो है, लेकिन उस गोवर्धन पर्वत में हमारे भगवान प्रविष्ट हो गए, ये कौन सा अवतार हो गया, आवेश अवतार। वो गोवर्धन पर्वत में निवास कौन कर गया, भगवान कृष्ण। इसको क्या कहेंगे, भगवान की सब लीला है, पाषाण में भी प्रविष्ट हो गए। भैया भगवान क्या नहीं कर सकते, पाषाण में भी प्रविष्ट हो गए। ऐसा एक बार हुआ ना कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, भाई पी रहे होंगे, मतलब ये ऐसी घटना नहीं कि नहीं हो सकता, अब क्या हुआ वो तो नहीं कह सकता, लेकिन भगवान पाषाण में भी प्रविष्ट हो सकते हैं ये तो बात सच है, स्पष्ट होता है, पाषाण के अंदर भगवान स्पष्ट रूप में जा सकते हैं। और आपको दो तीन घटनाएं बता दूं, इसलिए ये जो मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं उसे थोड़ा आप बचना चाहिए,
ये तो हमारी साधना ही नहीं है कि हम पाषाण से बात कर सकें। पाषाण से भी व्यक्ति बात कर सकता है अगर चाहे तो, उसकी श्रद्धा हो तो। मैं दृष्टांत दिखा दे रहा हूं, जब भरत जी लोग ननिहाल से आते हैं, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी ने आप देखो किया होगा प्रतिभा नाटकम, तो वहां पर भी जब रावण का वध होना है तो आपको पता है प्रतिमाओं के, जब रावण का वध भी होना है तो प्रतिमा के जो मूर्ति थी उसके आंसू गिर रहे थे। अच्छा, ये नहीं समझ में आता तो और देखो, अब जब जानकी माता पूजा करने जाती हैं पार्वती माता की, खसीमाल क्यों मुस्कुराई? आपको पता है उन्होंने माला पहनाई तो पार्वती जी मुस्कुरा रही थी। ओहो, सीता जी ने ऐसा देखा। और जब ऐसा संयोगों का कहना है कि जब आप पूजा करो और पूजा में से कोई पुष्प नीचे आ जाए पूजा करते करते, तो आपको समझना चाहिए भगवान ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने माला पहनाई माता के हाथ में, माता जानकी के हाथ में, वो माला फिर से वापस आ गई, ये स्वीकार कर लिया। मूर्तियां भी बात करती हैं, बात करने वाला होवे तो। गोवर्धन पर्वत भोजन कर सकता है, मूर्ति मुस्कुरा सकती है। अरे साड़ी कितने फिट की होती होगी, लेकिन वो साड़ी इतनी लंबी हो गई कि जिसमें 10,000 हाथियों का बल था वो गिर पड़ा। वो कौन सा भगवान वस्त्र के रूप में नहीं आ गए क्या? ये हमारी नजर नहीं है, पता नहीं किस रूप में वो आ जावे, पेड़ बन जावे, पशु बन जावे, पक्षी बन जावे, पत्थर बन जावे। हम लोग तो संत लोग कहते हैं वस्त्र के रूप में भी आ सकता है, वस्त्र वस्त्रावतार, तो ये भी तो भगवान का अवतार है। तो इसको आवेश अवतार को भी समझने की आवश्यकता है, तो फिर हमारी जो दृष्टि होगी वो कैसी होगी, व्यापक बनेगी। अच्छा, अब कहीं ये भावना पक गई, दृढ़ हो गई। क्या दृढ़ हो गई? यह सब उन्हीं की स्फूर्णा है ना, ये सिद्धांत तो पूरा हो गया। लोमस ऋषि का श्राप भी देखो, जब पक जाता है ना साधक, तो श्राप भी मिलता है, तो कहता है ये श्राप ऋषि ने नहीं दिया। किसी बुद्धि पक गई, बोलते हैं ये श्राप भी भगवान ने ही दिया है, ले क्या निष्ठा है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये जो अंदर से स्फूर्णा प्राप्त हुई हमारे गुरु को, हमारे ऋषि को, वो किसने दी? वो उस प्रभु ने ही दी। ऐसा ज्ञान हो जावे कि श्राप देने वाला व्यक्ति भी वही है, आशीर्वाद देने वाला तो ठीक है, श्राप देने वाला भी व्यक्ति वही है, तब समझ लो आपका ज्ञान तो पुष्ट हो गया। तो मैंने प्रारंभ किया, भगवान दो प्रकार की लीलाएं करते हैं जब अवतार लेते हैं। एक लीला का नाम है अनुग्रह और एक लीला का नाम है निग्रह, ना? दो लीला भगवान ये सदैव करते रहते हैं। निग्रह, निग्रह मतलब रोक देना। अब हो सकता है कोई बच्चा ही रोक ले, अब बच्चे में आकर भगवान ने ही आपको क्या कर लिया और रोक लिया, अब वो तो आपके हाथ से काम नहीं होना देना चाहते, तो कुछ ना कुछ आके क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। तो यदि कभी वो रोके भी ना, तब भी समझ कोई कार्य ना होवे तो मैं तो ऐसा कहता हूं समझ लेना ये उसी की लीला है। और आपसे और क्या कहूं, कहीं जाना था मुझे प्रवचन में पंजाब, नहीं जा पाया। अगर एक दिन पहले चला गया होता तो फंस जाता आज,
अब कब तक फंसा रहता? एक महीना तक। तो नहीं जाने दिया, इसमें भी किसकी लीला है? चुपचाप उठा के आपको अपने आश्रम में शांति से बैठा दिया, करो वे पढ़ाई, ये किसकी लीला है? अच्छा, कहीं रस्ते में भी कर, अब किसी गृहस्थ के कितने दिनों को गई, अपना परिचित ना हुए आश्रम तो आप कहां रुकोगे इतने दिन? एक महीना। देखने की दृष्टि है, उसने ही क्या कर दिया, रोक दिया। तो ये निग्रह लीला, जब आपका कोई कार्य ना होवे तो इसको कौन सी लीला कहना? निग्रह लीला। और जब कार्य हो जावे तो उसको क्या बोलेंगे? अनुग्रह लीला। तो ये भगवान यहां रहकर दोनों प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, कौन? अनुग्रह लीला और निग्रह लीला। एक अवतार मैंने नहीं बताया था, वो कल कुछ लोगों ने बोला, जैसे नित्य अवतार बता दिया, पूर्णा अवतार बता दिया, आवेश अवतार बता दिया, कला अवतार, अर्चा अवतार, अर्चा अवतार। अब अर्च्य अवतार का मतलब क्या है? जब हम लोग किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो जब प्राण प्रतिष्ठा विग्रह हो गई तो उसकी आराधना पूरी होनी चाहिए। इसलिए मैं साधक को कहता हूं, भैया बहुत ज्यादा भाव में आकर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अपने घर में मत रखिए। हमारा मंदिर है वो प्राण प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठा मतलब समझते हैं, उस ईश्वर के अंदर मंत्रों के जरिए से प्राण डाल दिया गया। यथा देहे तथा देवे, यथा देहे तथा देवे, जैसा देह है, देह को आवश्यकता है, वैसी ही प्रतिमा को भी करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अर्च्य अवतार। जैसे कि गर्मी हो गई तो आपको भगवान के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा? फिर पंखा लगाना पड़ेगा। ठंडी हो गई तो भगवान को भी शॉल देना पड़ेगा। फिर प्रातः काल और मध्यान्ह में दूध होवे या सब्जी भी आप भोजन करें, वो भोजन भगवान, क्यों? जो आप कर रहे हो यथा देहे तथा देवे। तो आप मंदिरों में देखते हैं ना, इसीलिए सुबह शाम पूजा फिर शयन करना, ज्योतिर्लिंग में आप देखते हैं। तो वह जो अर्च्य मतलब वह जो अर्चना की जा रही है प्रतिमा, वह तो प्रतिमा कैसी मानी गई? प्राण प्रतिष्ठित। इसलिए मैं तो स्पष्ट कहता हूं, गृहस्थ को बहुत ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। नहीं कर पाए तो फिर अन्यथा। इसलिए इस अवतार को क्या बोलेंगे? अर्च्य अवतार। अब हमको तो भगवान का क्या, अर्च्य अवतार जो छोड़े, हमको भगवान को रखने की जगह भी ठीक से नहीं रखते हम लोग, तो कहां रखेंगे? उस सीढ़ी के नीचे का जो स्पेस, शूरैक जो इन्वर्टर के लिए है, जनरेटर के लिए, वहां पे भगवान की मूर्ति रख रखी। सोचो आप, बुरा मत मानो, जो किसी हम उपयोग में नहीं कर सकते उस चीज को आपने भगवान को दे दिया। बहुत सुंदर, क्या श्रद्धा है। सोच के देखो आप, स्टेयर पीस की जगह दे रहे हैं, तो अब कितना भगवान आपको देगा? आप जानो, कई घरों में तो जाता हूं तो वो किचन में ही एक किनारा भगवान को दे देते हैं। मतलब आप जितना छोंको, जितना सब बदबू आवे, जितना जो होवे, वो सब किसके? भगवान के पास। अच्छा, आपका बिस्तरा, सोचो ना आप अपनी साधना की पहचान, जैसे आप रहते हैं, एक भले ही बड़ा ना हो, छोटा कोना हो, साफ सुथरा सुगंधित पुष्प देख सके, एक कोना तो दे दो। जहां रहते हो, संतों के तो कार्यालयों में भी देखना,
एक कोना तो भगवान के लिए, वो कोना नहीं जो आप किसी काम में नहीं ले सकते, ना हवा जावे ना प्रकाश जावे, वो कोना देना ना, ना, दे फिर भक्ति नहीं है। अच्छा, तो अब वह जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है तो वो लोग बोलते हैं मूर्ति भी मुस्कुराती है, मूर्ति भी बात करती है। अब आप इसको भले मनोराज्य ना समझ ले तो आप जाने, लेकिन सच में तो ये होता है कि वह मूर्ति भी मुस्कुराती है। अब जो लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं वो जानते हैं कि उनका जो ईश्वर है वो बात भी करता है। और हाँ, हो सकता है आपके ऊपर क्रोध की आंख भी दिखा हुए, आपने गलत किया, अपमान किया, झूठ बोला, ये भी वो कर सकता है, हाँ स्पष्ट कर सकता है, कोई दो राय नहीं। बस आपके प्रेम की आवश्यकता है कि आप उससे संबंध स्थापित कर लें, इसको बोलते हैं अर्चा होता है, ठीक है। इसीलिए वो चौपाई बोला था, प्रेम विनय बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति भी मुस्कुराती है। तो जो नित्य अवतार है वो भगवान निर्मल हृदय के संत हैं, समझ लो। उनके जरिए अगर आपको नित्य अवतार देखना है, किसी संत का हृदय देख लीजिए, वहां भगवान अपने आप को क्या करते हैं, प्रकट कर देते हैं, क्योंकि उनका हृदय कैसा है, साफ सुथरा, उनके जरिए से ही अपनी चीजों को बोलते हैं। तो बहुत सारे अवतार हो गए, अब आपको कहां तक भगवान की लीलाएं सुनाएं, ये जितनी भागवत आप सुनते हैं सब ये इसी को समझाने के लिए है। देखो एक चीज आप सुनाए, अच्छा आपको सुना गोवर्धन में भी आ गए, चोर में भी, चीर में भी आ गए, कपड़े में भी आ गए। अब देखो, यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी शक होता है कि ये भगवान है, भगवान है। तो उन्होंने क्या किया कि सबके ग्वाल वाले हड़प लिए, वो जो सब गाय बछड़ा थी सबको लेके चले गए, चुरा लिया। बोले भगवान होंगे तो जान जाएंगे, पहचानेंगे। और आपको पता है भगवान ने देख लिया, ओहो ब्रह्मा जी ने सब चुरा लिए। भगवान एक एक गाय एक एक बछड़ा उनके सबके यहां रहने लगे, सोचो आप क्या लीला होगी। भगवान एक एक गाय भगवान बन गए, एक एक बछड़ा भगवान बन गए, और दूध मिल रहा है, और उनकी आंखों में ऐसा मातृत्व दिखाई देता है गायों की बछड़ों में। ओहो तो क्या हो गया, यह भावना का खेल है। ज्ञान के नाम पर सूखे मत बन जाइए, ज्ञान के नाम पर सूखे मत बनिए, यही है जो आपको वहां तक लेके जाएगी। तो कुल मिला के मैं एक सिद्धांत कह रहा था, इस सिद्धांत को समझना है, सर्वं खलविदं ब्रह्मासि पुरुषै वेदगं सर्वं। तो वही सच्चिदानंद सब ओर है, यह समझ में आना चाहिए, यही साधना है। नहीं समझ में आता है तो समझें अवतार के माध्यम से। भगवान ने समझाया कि मैं क्या बन के नहीं आ सकता, स्त्री पुरुष गैया बछड़ा दीवार सब बन के, वस्त्र बन के, भगवान दिखा दिया मैं क्या बन के नहीं आ सकता। इसलिए सबको क्या मानो, भगवान का ही रूप मानो, इसलिए कहा गया। अच्छा अब भगवान क्यों आए, क्या जरूरत थी आने की, तो तुलसीदास जी ने क्या बोला, सो केवल भक्तन हित लागी। ध्यान रहे किसके लिए, भक्तन हित। जब भगवान शकुनी के सामने खड़े होते हैं तो दुर्योधन को तो कुछ भी नहीं लगता कि भगवान है, देखो भगत नहीं है ना, इसलिए भगवान हो
सामने हो तो भी भगवान नहीं समझ में आ रहा है। दुर्योधन को कभी नहीं लगा ये भगवान है, भीष्म पितामह को स्पष्ट दिखता था, विदुर को स्पष्ट दिखता था, द्रोणाचार्य को भी स्पष्ट दिखता था, लेकिन शकुनी को निर्णय क्या है, हम कितना निर्मल कर लें, कितना निर्मल कर लें अपने चित्त को, उसमें प्रार्थना और भक्ति का आधान हो जावे, उसमें सज्जनता प्रतिष्ठित हो जावे, तब आपको वह अवतार समझ में आएगा। बस वो श्रद्धेय भगतन हित लागे, जो भगत होगा उसको तो यह समझ में आएगा। तो अवतारवाद को सीधा सीधा एक संदेश है, अगर हम अपना अंतःकरण निर्मल कर लें, भक्ति भाव से भर लें, चिकना स्निग्ध कर लें, तो कोई भी युग हो गए आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि इस कलयुग में भी वही है। तो चाहे वो कलयुग हो गए, अब आप बताओ मीरा किस युग में हुई, नरसिंह मेहता कब हुए, ये तो अभी के लोग हैं ना, तुलसीदास जी। तो अंतःकरण की अपेक्षा से ही ये सब चलता है। अगर अंतःकरण शुद्ध है तो वह आपको स्पष्ट ईश्वर दिखता है, अगर अंतःकरण स्पष्ट सुंदर नहीं है तो वह ईश्वर होवे भी तो भी ईश्वर नहीं दिखता। देखना सावधानी से, भगवान तो थे, दुर्योधन को नहीं समझ में आ रहा है, कंस को नहीं समझ में आ रहा है, शकुनी को नहीं समझ में आ रहा है, जबकि साक्षात खड़े थे। समझ में किसको आता है, जिसका अंतःकरण क्या है, स्पष्ट है, मतलब साफ है, निर्मल है। तो अब आगे का देखो आप प्रकरण, किसके लिए जन्म हुआ, सो केवल भक्तन हित लागी। स्पष्ट हो गया, भक्तन मतलब भगत के लिए, भगत के लिए मतलब क्या है, जो साधना में रत है, जिसका अंतःकरण स्पष्ट है, स्वच्छ है, निर्मल है, उसको क्या कहेंगे, भगत। तो अब आखिरी एक बात आपसे कहूं, बाहरी दुनिया में सबकी दौड़ अलग अलग होती है, बाहरी दुनिया में सबकी दौड़ अलग अलग होती है भाई। सभी लोग तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सबका धन और वैभव एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन अध्यात्म की दुनिया बहुत निराली है। जो महाराज दशरथ हैं, जो निषाद है, जो शबरी है, इन सब का चित्त कैसा है, एक है। बाहरी दुनिया का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, आंतरिक दुनिया का लक्ष्य कौन है, एक है। हो सकता है बाह्य लक्ष्य अलग अलग हो गए, तो अध्यात्म की दुनिया महाराज बहुत निराली है। तो अंतःकरण इतना अच्छा होए कि जिसकी योगी यो लोग भी याचना करते हैं तो शबरी गीद आमिष सबने यही मापा कि हमारा भगवान अंतःकरण क्या कर दो, शुद्ध कर दो। तो ये हुआ, क्या हुआ, अवतार। अच्छा आगे विषय बड़ा है थोड़ा, तो आपसे दो बात और कहनी है, दो बात ये कहनी है कि हमारे ये जो नवयुवक और जो अभी के बच्चे हैं, उनके मन में आता है गृहस्थ जीवन क्या है, दान क्या है, पुण्य क्यों है, एक ही स्त्री के साथ क्यों रहना चाहिए, माता पिता को ईश्वर क्यों माने, धर्म क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मिशन ने बहुत पहले एक सीरीज दूरदर्शन पे चलाई थी, उपनिषद गंगा, ऐसा आज हम लोगों को पता लगा।
कि भारत सरकार ने फिर से चिन्मय मिशन से कांटेक्ट करके उस सीरीज को दोबारा से दिखाने को कहा है। आधे 20 से 25 मिनट की एक 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 एपिसोड है। आज से ही दूरदर्शन पर शाम को उपनिषद गंगा चल होने जा रहा है, जो चिन्मय मिशन ने हमारे स्वामी तेजोमयन जी के दिशा निर्देशन में बना। करेंट टॉपिक्स जितने रहते हैं छोटे छोटे बच्चों के बड़ों के, उसको बहुत लॉजिकल ढंग से दिखाया है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसको जरूर देखिए। शाम को डीडी भारती पर 6 बजे से उपनिषद गंगा सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो पहली बात तो वो कीजिए। दूसरा, कल है रामनवमी, तो भगवान का जन्म कितने बजे हुआ? 12 बजे। सबको कुछ कुछ 12 बजे क्या करनी होगी, पूजन करना होता है। श्री भय प्रगट कृपाला दीन दयाला मंदिर हमारा भी है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्तुति करेंगे, पूजा करेंगे। तो कल ये कक्षा नहीं होगी, इसकी बजाय फिर 3 तारीख को यह कक्षा इसी समय पर होगी। स्पष्ट हो गया? तो उपनिषद गंगा देखिए शाम को, और कल अवकाश रहेगा। आइए श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देवी उवाच, शृण देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम्, मया तवैव स्नेनाप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते विनियोग। अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवता हि सा, बलागा कृष्णमोहाय महामाया प्रयक्षति। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तो स्वस्तै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणीका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। शरणागत दीनान्त परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा तुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, तमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताहि श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यासखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्णा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।